बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज राना राशिद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे 15 जुलाई 2020 इंग्लिश क्लास 10 करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 में आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 3 की जो है वो फिल इन द ब्लैंक जो है वो फिल करनी है। ये आपकी ग्रामर कंपोजिशन के पेज नंबर 164 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है। इस एक्सरसाइज में दो टेंसेस इस्तेमाल हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिटेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूटेंट। पास्ट इंडेफिनिटेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूटेंट में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 1 है कि ए डैश टू रेन एन आवर अगो। अगो आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडेफिनिटेंट लिख रहा है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन आ जाएगी। How long ago did you come here? Did के साथ हम verb की first form इस्तेमाल करते हैं। Number 3, she did not hear any noise. She did not hear any noise. He was riding a bike when he met an accident. एक एक्शन जारी था बाइक की राइडिंग का, कि उस दौरान अचानक हादसा पेश आ गया, तो उसके लिए हम verb की second form इस्तेमाल करेंगे। He left 20 minutes ago. Ago आ गया, इसका मतलब ये है कि इसको हम past indefinite tense पे लेकर आएंगे। I was going to airport when I saw her. The light went out when we were having dinner. एक एक्शन जारी था के दौरान एक दूसरा एक्शन वकूपति हुआ, जो जारी था उसको हमने past continuous में लिखा है, तो दूसरा हुआ है उसको हमने past indefinite tense में। Number 8. She was singing a song when I entered the room. She was singing a song when I entered the room. एक एक्शन जारी था, सिंगिंग का अमल जारी था, कि उस दौरान जब जो है वो बताया जा रहा है कि आई एंटर द रूम, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगेगी। आई मेट हर इन द प्लेन। मीट की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, मेट है। नंबर 3 पे हमारे पास आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रेंग। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। नंबर 13, आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। नंबर 14 पे The farmer was playing the field when it started raining. The bus moved while I was boarding it. The bus moved while I was boarding it. Dear student, ये थी हमारे पास correct use of verb exercise number 3. आपने देखा कि इसमें दो tenses हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं। एक पास इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास पास कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल हुआ है। पास इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान ये है कि आप जब भी अगो आएगा तो आपने वहां पर पास इंडेफिनिट टेंस वर्ब देना है। दूसरी के जब दो वर्ब के साथ हमारे पास कोई सेंटेंस होगा तो एक एक्शन जो जारी होगा माध्यम में तो उसको आपने पास कॉन्टिन्यूअस में लिखना है, जबकि जो सडनली वकूपति होगा उसके साथ उसको आप पास इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। आई होप कि आपने ये ग्रामर कंपटीशन की पेज नंबर 164 पर एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसको आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, और उसके बावजूद अगर कोई बात रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मैं मौजूद हूँगा। बिना झुझक आप वहां पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और रोज़ाना 10 से लेकर 10:40 तक जो है मैं ऑनलाइन भी होता हूँ, उस वक्त भी आप मुझसे जो है इनके मुताबिक रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।